आसपास बहुत से ऐसे पौधे उपलब्ध होते हैं जिनके जानकारी हमें नहीं होती, हमारे लिए एक औषधि का काम करते हैं। जानकारी के अभाव में आमतौर पर लोग इन्हें नष्ट कर देते हैं। आयुर्वेद में इनका बड़ा ही महत्व बताया गया है। हम बात कर रहे हैं पत्थर चट्टा के पौधे की आयुर्वेद में, जिसे औषधीय पौधा माना गया है, जिसकी पत्तियां हमारे लिए बेहद कारगर होती हैं। आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉक्टर स्मिता श्रीवास्तव बताती हैं कि आयुर्वेद में पत्थर चट्टा के पौधे को बड़ा ही गुणकारी माना गया है, क्योंकि इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं। ग्रामीण अंचल क्षेत्र में इसे पत्थर चट्टा के नाम से जाना जाता है, तो आयुर्वेद में इसे अजूबा के नाम से जाना जाता है। जैसा कि इसके नाम से ही इसके गुणों का आभास हो जाता है, तो पत्थरचट्टा जो कि मतलब यहाँ मिल जाता है, इसको लोग अजूबा भी कहते हैं, तो उसमें पत्थरचट्टा की पत्तियों के नाम से ये, तो इसमें मेनली किडनी डिजीजेज में इसका ज़्यादा मतलब यूज है। डायोरेटिक, जिसमें यूरिन रुक रुक के आ रही है, तो उसमें इनकी पत्तियों को आप खा सकते हैं जैसे उससे। और किडनी स्टोन के लिए, जैसे जो नाम से ये किडनी के स्टोन के लिए, गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए नहीं, क्योंकि वो तो नहीं निकलता है, किडनी में अगर छोटा स्टोन है तो इसके पत्तियों का रस या वो उसको खाया जाए, रोज सेवन किया जाए तो इसका स्टोन निकल जाता है। बाकी वेजाइनल डिस्चार्ज में भी, जैसे जिनको ल्यूकोरिया है कि उसमें फ़ायदा करता है। सर में दर्द हो तो इसका लेप लगा सकते हैं। बाकी इसमें एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, जैसे कि कैंसर के लिए भी इसमें मतलब दिया जा सकता है, साथ में इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए।